डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज की इस क्लास में आपका दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास को प्यारी सी कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, जिसके लेखक का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। कि आज वो भी इश्क के मारे नज़र आने लगे हैं, आज वो भी इश्क के मारे नज़र आने लगे हैं, नींद उड़ गई तारे नज़र आने लगे हैं, आँख वीरां दिल परेशान, जुल्फ मरहम लब खामोश, आँख वीरां दिल परेशान, जुल्फ मरहम लब खामोश, अब तो वो कुछ और भी प्यारे नज़र आने लगे, अब तो वो कुछ और भी प्यारे नज़र आने लगे, और ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, और ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिए आज के इस टॉपिक को, और अपने ड्रीम्स को दिल में बसाए रखिए, क्योंकि वहीं आपको एक कामयाब इंसान बना के छोड़ेंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th, और इसका पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एटीन। देखो, केमिस्ट्री पढ़ना अपने आप में बहुत मज़ेदार काम है, तो दिल लगाकर बैठिए, आराम से तरीके से पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को समझने से पहले आप कुछ पंक्तियों को इस प्रकार से पढ़िए कि देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इस बात को आप समझिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ये देखो, पहली बात तो मूल कार्बनिक यौगिक है। मूल कार्बनिक यौगिक कौन है? हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अन्य सभी प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक है ना, उनका निर्माण इन्हीं से होता है। किनसे होता है? हाइड्रोकार्बन से होता है। मूल कार्बनिक यौगिक जो है ना, हाइड्रोकार्बन, उन्हीं से सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजनों से प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन व हेलो एरिन का निर्माण होता है। अब कुछ शब्दों के ऊपर आप विचार कीजिए। सबसे पहले तो देखो, हाइड्रोकार्बन को अपन वैसे देखें तो जैसे CH4 है ना, मेथेन, इसमें केवल कार्बन है और हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, मूल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। दूसरा शब्द जो आपको समझना है वो क्या है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन से प्रतिस्थापित करने पर, हेलोजन का मतलब देखो, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 17 के जो सदस्य हैं मुख्य रूप से FCl Br और I, दोस्तों इन्हीं को हेलोजन के नाम से जानते हैं, इन्हीं को हेलोजन के नाम से जानते हैं, इस बात को आप याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें और उनकी जगह इनमें से किसी भी एक को लगा दें, किसी भी एक को लगा दें, तो जो बनने वाले यौगिक होंगे वो या तो हेलो एल्केन होंगे, यदि हेलो एल्केन नहीं होंगे तो फिर वो हेलो एरिन होंगे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या डिफरेंस है? तो देखो, मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी कार्बनिक यौगिक है या हाइड्रोकार्बन है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब जो सीधी श्रृंखला के हो, ठीक है, खुली हुई श्रृंखला है, वो सभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो वलययुक्त श्रृंखला होती है उसको एरोमेटिक कार्बन कहते हैं। दूसरी चीज़ देखो, एरोमेटिक यौगिक के लिए सिर्फ वले का होना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कुछ और भी विशेष जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है, जिनके विषय में हम आगे की क्लास में देखेंगे, ओके। एरोमेटिक को दोस्तों एरिन भी कहते हैं, एरोमेटिक को ना एरिन भी कहते हैं। इसका मतलब जब इस प्रकार के यौगिकों के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर उनकी जगह हेलोजन लगा दे तो नया यौगिक क्या बनेगा? हेलो एरिन बनेगा। और एलिफेटिक यौगिकों के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उनकी जगह हेलोजन लगाएं तो वो बनने वाला यौगिक क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? हेलो एल्केन होगा। देखो, आप इधर समझिए, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, एल्क का मतलब होता है कार्बन, और एन, एन का मतलब सिंगल बंद, केवल एकल बंद हो, ठीक है। तो केवल एकल बंद वाले कार्बन से कौन जुड़ेंगे? हेलोजन जुड़ेंगी। यहाँ पर मुख्य रूप से ये बात भी आपको आगे देखने को मिलेगी।
हेलो एरियन की बात करें तो हेलोजन किससे जुड़ेगा? एरियन से जुड़ेगा। एरियन का मतलब मैंने समझा दी आपको, जो भी वलययुक्त कार्बन यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, उनसे यदि हेलोजन जुड़े तो बनने वाला यौगिक हेलो एरियन होगा। क्या होगा? हेलो एरियन होगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसे इसको मुझे हेलो एल्केन बनाना है तो किस प्रकार से बनाऊंगा, इधर आप ध्यान से समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तीन हाइड्रोजनों की जगह अपने तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये एक प्रकार का हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। यहाँ पर इस बेंजीन वाले को, आपको सबको पता है ये तो बेंजीन है ना, यहाँ पर मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ और उसकी जगह क्या लगा रहा हूँ, जैसे बाकी ये हाइड्रोजन अपनी जगह है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, यहाँ पर ना मैं क्लोरीन लगा रहा हूँ। ब्रोमीन भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो ये डिपेंड करता है कि ये जो आप लगा रहे हो उसके साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता, रसायन विज्ञान में उस हिसाब से ही लगाना है ना। तो सामान्यतः क्लोरीन से इसकी क्रिया होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यौगिक है हेलो एरिन। क्या है? हेलो एरिन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी, बेसिक का आपका क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं। हेलो एल्केन का मतलब जब किसी भी मूल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनों को हेलोजनों से प्रतिस्थापित कर देना तो उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। यौगिक एलिफेटिक हो तब, यदि यौगिक एरोमेटिक हो तब क्या होगा, उसको हम हेलो एरिन के नाम से जानेंगे, उसको हम हेलो एरिन के नाम से जानेंगे। मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। अगला अपना टॉपिक है वो है दोस्तों हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन तथा आसान चीज है, किसी भी चीज़ को बांटने के लिए सबसे पहले हमें उनका बेस होना चाहिए, कुछ आधार होने चाहिए जिसके आधार पे हम चीज़ों को बांट सके, जिसके आधार पे हम चीज़ों को बांट सके, ठीक है ना। जैसे अपन को किसी भी चीज़ को बांटना हो तो कुछ बेस होते हैं, भाई इस आधार पे ये चीज़ इतने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन या हेलो एरिन को बांटने के प्रमुख दो आधार मैंने लिए हैं, वो होता है एक तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हो सकता है और दूसरा हो सकता है दोस्तों सी अक्ष बंध की प्रकृति के आधार पे। इनको विस्तार से भी समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे जो है हेलो एल्केन या हेलो एरिन कितने प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन से, किसी भी हाइड्रोकार्बन से केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें एक ही जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक ही जुड़ा हुआ है, तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे ये मोनो हेलो एरिन हो जाएगा तो ये मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक से ज़्यादा, कहने का मतलब यदि दो है, यदि दो है तो उसको डाई हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अब दो हेलोजन परमाणु किस प्रकार से जुड़ सकते हैं उस स्थिति को समझिए। यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो उसे जेमिनल डाई हेलाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हेलाइड बोलते हैं, इस बात को आप समझिए। और यदि दोनों हेलोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन जो बिल्कुल पास स्थित है उनके ऊपर जुड़े हुए हैं तो उसको विसिनल डाई हेलाइड बोलते हैं, विसिनल डाई हेलाइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपका हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। यदि हेलोजन परमाणु की संख्या दो से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, चार है तो टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे, और यदि बहुत ज़्यादा है अनेक है तो उसको पॉली हेलो एल्केन बोल सकते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में ना इतना ही है तो अपन इतना ही, आप इसको समझिए, इसको मत भूलना कम से कम। दूसरा बेस आपका है वो है सी अक्ष बंध की प्रकृति के आधार पे, यानी जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका संकरण कौन सा है उस आधार पे देखना है। यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो पहला तो हो सकता है sp3 संकरित हो, एक डिवाइड तो एक पार्ट तो हो गया। यदि जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है वो sp2 हो, और तीसरा हो जाएगा कि हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन sp संकरित हो। तो सी अक्ष बंध की प्रकृति के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो कार्बन sp3 संकरित हो, दूसरा sp2 संकरित हो, और तीसरा हो जाएगा sp संकरित हो। ओके, अब देखो sp3 का मतलब, sp2 का मतलब, sp, ये सब संकरण है। संकरण को आपको पहले अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। संकरण कैसे ज्ञात करते हैं ये है यहाँ पर अपन को मोस्ट है
होता क्या है उसके लिए अलग से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि संकरण अपने आप में विज्ञान में एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए। देखो, संकरण निकालते हैं सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर। जब भी आपस में यौगिक एलिमेंट्स जुड़े होते हैं तो उनमें या तो वो एकल बंध से जुड़े हो सकते हैं, द्विबंध से, या फिर कहीं ना कहीं त्रिबंध भी उनमें हो सकता है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। जब भी परमाणु केवल सिंगल बंध यानी एकल बंधों से जुड़े होंगे तो वो सभी बंध सिर्फ सिग्मा बंध होंगे। कौन से बंध होंगे? सिग्मा बंध, ठीक है। और एक यौगिक सिर्फ, देखो मेरी बात सुनो आप ध्यान से, जैसे कहीं पर दो बंध या तीन बंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनमें से सिर्फ एक ही सिंगल बंध होगा, सॉरी सिग्मा बंध होगा दोनों में, ठीक है। एक ही क्या होगा? सिग्मा बंध होगा, बाकी अन्य जो बच गए वो सब पाई बंध होते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे कि यदि सभी सिंगल बंध है तो सभी सिग्मा होंगे, यदि उनमें कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तो उनमें भी सिर्फ एक एक सिग्मा बंध होगा, अन्य जो है वो पाई बंध हो जाएंगे। और देखो, सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पे क्या करते हैं? संकरण ज्ञात करते हैं। यदि जो कार्बन, देखो जिस कार्बन का या फिर जिस भी तत्व का आपको संकरण ज्ञात करना है, यदि उसमें चार सिग्मा बंध है, चार सिग्मा बंध, तो उसका संकरण sp3 होगा। देखो s तो सभी में कॉमन, s कक्षक, तो p कक्षक, देखो p कक्षक से एक ज़्यादा सिग्मा होगा ना, वही संकरण होता है। तो यदि चार सिग्मा है तो संकरण sp3 होगा। यदि किसी कार्बन या किसी परमाणु में, है ना, किसी एटम में तीन सिग्मा बंध है, तीन सिग्मा बंधों से वो जुड़ा हुआ है, तो उसका संकरण sp3 होगा। यदि दो सिग्मा बंध है तो उसका संकरण क्या होगा? sp संकरण होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, चारों ही एकल बंध है यानी चार सिग्मा बंध है, इसका मतलब संकरण कौन सा है? sp3। इसमें भी चारों ही सिंगल बॉन्ड है तो ये भी sp3 संकृत कार्बन। इसी का अपन को देखना है, क्योंकि cl या हेलोजन इसी से जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पर देखो एक दो तीन और चार, चार सिग्मा बंध है इस कार्बन परमाणु का, क्योंकि यही तो Cl से हेलोजन से जुड़ा हुआ है। तीनों में डिफरेंस जो है वो आप समझिए। यहाँ पर देखो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो एक अन्य CH3 है ना, यानी अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी अपन किसी जुड़े हुए यौगिक से, यानी यहाँ पर यह कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जो कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको एक डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये कार्बन दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है उसको दो डिग्री क्या बोलेंगे? दो डिग्री कार्बन बोलेंगे। और ये हो जाएगा तीन डिग्री कार्बन या तीन डिग्री यौगिक, ठीक है। इस बात को आप मानकर चलिए, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज तक आपने डिग्रियों के बारे में बहुत सारा सुना होगा, भाई ये एक डिग्री यौगिक है, ये दो डिग्री है, ये तीन डिग्री। तो डिग्री का मतलब है कि जिस यौगिक के संदर्भ में बात हो रही है, तो वो यौगिक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है उसी को डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है वहीं उसका डिग्री के अंदर, उसको प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक भी इसको बोल सकते हैं, इसको तृतीयक भी बोल सकते हैं, इसको द्वितीयक और इसको प्राथमिक बोल सकते हैं। तो एक ही डिग्री तो हो गई sp3 वाले, क्या हो? हेलोजन या फिर हेलो एल्केन या हेलो एरिन हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो इसके कितने, इसका संकरण देखिए आप, इसका यहाँ पर दो अन्य ग्रुप और जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, एक दो तीन और चार, चार इसमें क्या है? सिग्मा बंध है, लेकिन इसका संकरण क्या है? sp3 ही है, यानी कैटेगरी तो यही रहने वाली, लेकिन आगे जो क्या है, एक द्विबंध से जुड़ा हुआ है जिसमें आगे तुरंत एक द्विबंध हो उसको एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं, कि डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ तो sp3 कार्बन से ही हो, लेकिन लेकिन जो कार्बन अन्य दूसरे द्विबंध से जुड़ा हुआ हो, यानी जिसके जस्ट आगे द्विबंध हो, तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, ये कार्बन है, इसका sp3 संकरण है, एक दो तीन चार सिग्मा बंध, इसलिए sp3 संकरण है, लेकिन आगे ये जस्ट देखो आप, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, आगे ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसका मतलब इसके भी आगे आयलिक लगाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे तरीके से याद रख लेना, बेंजाइलिक और एलाइलिक क्या होते हैं। नेक्स्ट आप समझिए sp2 संकरण क्या होता है। sp2 में देखो आप, ये कार्बन है, इससे हेलोजन जुड़ा हुआ, इसका संकरण देखिए। देखो मैं इस एच को ऐसे लिख देता हूँ, किसने कितने सिग्मा बंध होगे इसमें? एक दो, और इन दोनों में से एक होगा, तो टोटल तीन सिग्मा बंध इसमें हो गए, ठीक है। टोटल तीन सिग्मा बंध इसमें हो गए, इसका मतलब
तीन सिग्मा बंद हो गए तो कौन सा संकरण, sp2 संकरण। यहाँ पे देख लो आप, देखो इन दोनों में से एक सिग्मा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कुल तीन सिग्मा बंद है। इसका मतलब इस क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी ये कार्बन है, ये sp2 संकरित हो गया, तो इसको तो बोलते हैं एरिल। इसको तो क्या बोलते हैं, एरिल, जो पहले मैंने बता दिया। और ऐसे यौगिक को बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक, जिसमें sp2 संकरित कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ हो। देखो द्विबंध के लिए कम से कम दो कार्बन तो होने चाहिए ना, तो इसको आप याद रख लें, इसको विनाइलिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिल। और sp में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी हेलोजन परमाणु है वो sp कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। देख लो आप इन दोनों में से सिर्फ कितने सिग्मा बंद होगी, एक तो ये वाला होगा और एक हाइड्रोजन वाला होगा, तो कुल दो सिग्मा बंद है, और दो सिग्मा बंदों को sp संकरण जो है, हाँ वो दर्शाता है। ओके, इसके आगे के पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या कमियाँ हैं आप सभी मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हम उन कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले और दबा के शेयर कर दो।